दोस्तों, यूके ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में हम डिफरेंस देख चुके हैं पार्ट वन में। ये है उसका पार्ट टू। आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट वन देखिए। यहाँ आई कार्ड में मैं लिंक उसकी दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वो जरूर देखिए। एक बार मैं फिर से उसको समरी रिपीट कर दूं कि ब्रिटेन क्या होता है, इंग्लैंड और वेल्स दोनों को मिलाकर उसको ब्रिटेन बोला जाता है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड भी शामिल हो जाता है, और यूके में इन तीनों के साथ नॉर्थ आयरलैंड, ये जो येलो कलर से शो किया गया है, वो भी यूके में शामिल हो जाता है। ये ग्रीन कलर में जो आयरलैंड या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसे हम कहते हैं, वो यूके में शामिल नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आप पार्ट वन जरूर देखिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो चारों पार्ट हैं यूके के, या चारों कंट्री हैं, वो आपस में क्या शेयर करती हैं और क्या उनमें चीजें डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उनमें कॉमन क्या है, वो क्या चीजें शेयर करते हैं। तो सबसे पहली चीज है पासपोर्ट। इन चारों में से चाहे वो स्कॉटलैंड का हो, वेल्स या इंग्लैंड किसी का भी हो, सबके लिए एक ही प्रकार का पासपोर्ट जारी किया जाता है और उस पर लिखा होता है ब्रिटिश सिटीजन। दूसरा है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होती है, हालांकि अलग अलग जगह उनकी बोलने का प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज होती है इंग्लिश। गवर्नमेंट जो है वो यूके की ही होती है और जो रन कराई जाती है लंदन में, वेस्टमिंस्टर से, वेस्टमिंस्टर डिस्ट्रिक्ट से लंदन में। इसके अलावा सेम क्वीन, यानी कि जो रानी होती है, क्वीन एलिजाबेथ या कोई भी जब क्वीन होती है, तो वो एक कॉमन होती है ब्रिटेन में। लंदन से जो है वो सबके लिए एक ही कॉमन रानी मान्य होती है। इसके अलावा फ्लैग जो है वो यूनियन जैक फ्लैग, सभी में एक कॉमन फ्लैग होता है। यूनियन जैक क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे वीडियो में। सेम करेंसी होती है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, सभी में कॉमन करेंसी यूज की जाती है, चाहे वो वेल्स हो, इंग्लैंड हो, स्कॉटलैंड हो, या फिर यूके का कोई भी पार्ट हो, ठीक है। नेशनल एंथम गॉड सेव द क्वीन, ये कॉमन नेशनल एंथम है जो इन सभी चारों पार्ट में जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही ओलंपिक की अगर हम बात करें, तो ओलंपिक में इनमें से कोई भी जो है वो टीम ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हो सकता है। उस टीम का नाम क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन। टीम इंग्लैंड नहीं होती, या टीम वेल्स या टीम स्कॉटलैंड, कोई टीम अलग से नहीं होती, एक कॉमन टीम होती है ग्रेट ब्रिटेन के नाम से, और उसकी तरफ से ओलंपिक में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉर्थन आयरलैंड, उसके लिए चॉइस रहती है, ये जो येलो कलर से शो किया गया है नॉर्थ आयरलैंड, इसके लिए चॉइस रहती है कि वो या तो ग्रेट ब्रिटेन की टीम ज्वाइन कर सकता है, या फिर टीम आयरलैंड की जो है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो ये तो थे इनमें कॉमन चीजें क्या हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो देखिए, बहुत सारे इनमें डिफरेंस हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ नोट डाउन किए हैं कि एक तो जो है वो कॉमन गवर्नमेंट यूके की रहती है लंदन में, और करेंसी भी सेम रहती है, लेकिन बैंक नोट जो है वो स्कॉटलैंड में अलग होते हैं और आयरलैंड में अलग होते हैं, थोड़े से लिटिल बिट डिफरेंस होते हैं। तो वो कभी कभी उनको जो है वो कहीं कहीं लीगली तो वो मान्य है, लेकिन हर जगह उनको यूज करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो बैंक नोट्स डिफरेंट होते हैं। दूसरा, डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को बोलने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है ना। है कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश, लेकिन उसको बोलने के तरीके अलग अलग जगह होते अलग अलग होते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है। स्कॉटलैंड की अपनी एक अलग लैंग्वेज भी है इंग्लिश के साथ, नॉर्थर्न आयरलैंड की गैलिक अलग लैंग्वेज है, जबकि वेल्स की वेल्स एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है ना। इंग्लिश तो चली रही है, लेकिन इंग्लिश के साथ ये लैंग्वेज भी वहां पर साथ ही बोली जाती हैं। कुछ कल्चरल डिफरेंस भी हैं, वो हम कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। और वेल्स और स्कॉटलैंड के पास अपना सेपरेट नेशनल एंथम भी है, जैसे हमने कहा था गॉड सेव द क्वीन, ये यूके का नेशनल एंथम है, जो यूके के सभी कंट्रीज में, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और वेल्स, सभी में मान्य है। लेकिन इसके अलावा वेल्स और स्कॉटलैंड का अपना एक सेपरेट नेशनल एंथम भी है। इसके अलावा जो यूनियन जैक कॉमन फ्लैग था, वो भी सब जगह मान्य है, लेकिन इसके अलावा सबका अपना अपना एक फ्लैग है सेपरेट, जैसे इंग्लैंड का ये हमने दिखाया यहाँ पर, स्कॉटलैंड का, नॉर्थ आयरलैंड का और वेल्स का, सभी का अपना एक अलग अलग फ्लैग है। लेकिन जो यूनियन जैक फ्लैग है, उसको जरा अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो है वो यूके के लिए यूनियन जैक फ्लैग, और ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड की। अगर मैप को मिला दें तो यूके का जो फ्लैग है यूनियन जैक फ्लैग, या जिसको यूनियन फ्लैग बोलते हैं, वो बन जाता है, ठीक। वेल्स के मैप, वेल्स के सॉरी फ्लैग को इसमें अडॉप्ट नहीं किया गया है, ठीक है ना, याद रखना। वेल्स का जो मैप है वो यूनियन जैक में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि ये जो है यूके का फ्लैग, वो वेल्स में भी वैलिड है पूरी तरह से। तो दोस्तों, होप सो आपको जो है ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह इसको भी आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।